कल है यशा का बर्थडे, दोनों बच्चे सो चुके हैं और मैंने अभी गिफ्ट पैक करके और थोड़े से बलून्स ब्लो करके जस्ट उसके बेड के सामने रख दिया। तो मॉर्निंग में उठेगी तो सबसे पहले उसको गिफ्ट्स और बलून्स दिखेंगे और उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। वो प्रिपेयर्ड है माइंड से कि उसको अभी कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा और जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब उसको गिफ्ट मिलेगा। तो वो सुपर डुपर सरप्राइज होने वाली है। क्या बोलना है दीदी का बर्थडे? और येशा यहाँ पे रेडी हो गई है, नहा लिया येशा ने। फ्रॉक दिखाओ अपना। ये हमने लास्ट ईयर गैप से लिया था, बट लास्ट ईयर थोड़ा लूज था, अभी भी थोड़ा लूज है येशा को। ठीक है नहीं? ठीक है, इट्स माय फेवरेट कलर येलो। इवनिंग में वो मिकी माउस मिनी माउस ओके मिनी माउस शर्ट पहनेगी, मुंबई से लेके आई थी वो इस बारी। और अभी येशा बना रही है ब्रेसलेट, एक उसने अपने लिए बनाया है दिखाओ, और एक उसने मेरे लिए बनाया है। और केयूष भी नाई नाई करके रेडी हो चुका है और रिंग से प्ले कर रहा है। यशा और अनुज ब्रेसलेट इंस्ट्रक्शंस देख के वो सब बना रहे हैं और केयूष बिजी हो गया अपने फेवरेट काम में, पेंटिंग में। पेंट देख के वो बहुत खुश हो गया। जो माइकल से पेंटिंग का सेट मंगवाया था ना, वो यशा को बोल के मैंने केयूष को दिलवा दिया कि चलो रिटर्न गिफ्ट हो गया आपका, तो वो कर रहा है। और पेंटिंग में वो कुछ नहीं करता है, सारे कलर्स को मिक्स करके ना बस ब्लैक बना देता है, यही उसका काम है। काइंड ऑफ वेस्ट ही करता है, बट चलो बिजी रहता है। और येशा तो बहुत ही खुश हो गई थी गिफ्ट्स देख के, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ऐसा तो होता है कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें और वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले खीर। खीर हमारे बर्थडे का रिचुअल है, हर एक बर्थडे पे खीर ज़रूर बनती है और वही प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को। तो मेरी आधी पूजा हो गई है और आधी पूजा होगी खीर बनाने के बाद, प्रसाद बनाने के बाद। तो चावल का खीर और जो छोटे वाले राइस मैंने आप लोगों को दिखाए थे जो मैं कोलकाता से लेके आई थी, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, खुशबू भी अच्छी लगती है और वो बिल्कुल दूध में ना घुल जाती है। तो मैंने उसको सोख करके रख दिया है पानी में और थोड़ा सा घी भी लगा के रखते हैं उसमें। और येशा का मॉर्निंग से नाइट तक का मेन्यू पहले से ही डिसाइड हो गया था, एक वीक पहले से ही। तो बेसिकली उसको पूरी खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, होममेड पिज़्ज़ा, और केक बेक करना है। तो डेफिनेटली सब कुछ घर पे ही बनेगा। तो ब्रेकफास्ट में हमने सिंपल सा ब्रेड जैम खा लिया था और अभी लंच में बनाऊंगी छोले पूरी और खीर तो होगी ही। और डिनर में प्लान है मेरा पिज़्ज़ा बनाने का, देखती हूँ कितना सक्सेसफुल होता है। मैंने एक बारी तो बनाया था बट उस टाइम मैंने आटे का बनाया था, तो आज मैं मैदे से बनाऊंगी और वही बेकिंग सोडा यूज़ करके। ईस्ट अब भी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, इनफैक्ट मेरे पास ना इंस्टेंट वाला एक्टिव ईस्ट है भी, बट पता है मैं ना बहुत टाइम पहले ब्रेड बनाया था ईस्ट डाल के और उसमें से एक स्मेल आती है जो हमें से किसी को भी नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ईस्ट अवॉइड कर रही हूँ और आज एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ, कभी और ईस्ट डाल के पिज़्ज़ा बना के देखूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप मैदा यूज़ करो और ईस्ट यूज़ करो तो परफेक्टली जैसे बाहर का पिज़्ज़ा होता है वैसा ही लगेगा, तो वो कभी बाद में करेंगे, आज सिर्फ बेकिंग सोडा और मैदे से बनाऊँगी पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह छोले भी बॉयल करके रख दिए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने येशा के लिए इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गुड विशेस भेजे, इतना सारा प्यार भेजा,
सच में दिल से थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट्स याद रखते हो, तो ऐसा लगता है कि हम भी आपके लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं. और यशा ने अपने लिए भी ब्रेसलेट बनाया और मेरे लिए भी ब्रेसलेट बनाया. सुबह सुबह गिफ्ट मिलते ही सबसे पहले उसने यही काम किया. इतना अच्छा वेदर है. अगर इस अभी कहीं जा सकते हाँ, और संडे भी था, सैटरडे संडे और फ्राइडे की भी छुट्टी थी, गुड फ्राइडे की. लाइक लॉन्ग वीकेंड होता है ये नॉर्मल टाइम में, तो बहुत अच्छा कहीं पे भी घूमने जा सकते थे. ये शाह देखो, आप स्कूल तो वैसे भी नहीं जा पाते क्योंकि संडे है, है ना? तो आप वैसे भी स्कूल नहीं जा पाते और आज भी नहीं जा रहे हो, तो कुछ मिस किया नहीं आपने? अच्छा, येशा को ज्यादा दुख ये है कि अनाउंसमेंट होता है स्कूल में जिसका भी बर्थ तो उसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाया. ओके चलो हम अनाउंसमेंट कर देते हैं. एवरीवन, टुडे इज 12th of April एंड इट्स येशाज बर्थडे. और पता है आपको बहुत लोगों ने विश किया है. हाँ, मम्मा को मैसेज भेजा है, कमेंट पे विश किया है. थैंक यू बोल दो सबको. थैंक यू एवरीवन. Hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. तो लंच हमारा रेडी है, पूरी छन चुकी है, छोले भी रेडी है, सैलड कट कर लिया है और मैं सोच रही हूँ साथ साथ पिज्जा के लिए सॉस बना लूँ. टमाटर ऑलरेडी पानी में डाल के मैंने बॉईल करके रख लिया है, इसका छिलका निकाल लूंगी और फिर सॉस बना लेती हूँ. आज पूरे दिन कुकिंग में जा रहा है, अभी केक बनाना है फिर पिज्जा बेस बनाना है. तो येशा बोल रही है आई हेल्प. ठीक है, आप केक में हेल्प करना, केक में तो एक्सपर्ट है येशा, है ना? केक एक्सपर्ट बेकर, यू आर अ गुड बेकर. बेकर केक्स, मफिन्स एंड कुकीज. मफिन्स बनाना है आपको या मफिन्स एंड कुकीज? एंड फुल केक बनाना. नो, वी विल मेक कपकेक्स. ओके, कपकेक्स. हम फुल केक नहीं बना रहे हैं, हम कपकेक बनाएंगे और थोड़े से कपकेक्स में हम फ्रॉस्टिंग करके क्या डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल डालेंगे और थोड़े से सिंपल, है ना? डैडी डैडी और आप मिलके केक बेक करो यार. मैं नहीं नहीं यार, क्यों रिस्क लेना फालतू का. नहीं नहीं, घर पे बनाएंगे. तो उस दिन आटा से बनाया था ना, आज मैदा से बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा. देख मम्मा ने इतना अच्छा से बनाया अभी. अभी पूरी छोले सैलड एंजॉय करो, फिर शाम की शाम को देखते हैं, है ना, ब्रेक के बाद. पता है अभी ना हम येशा के वीडियोस देख रहे हैं, देखो कितनी छोटू. ये वन ईयर, हाँ वन ईयर की है बस, शायद वन ईयर की भी नहीं है. I don't think so. How can I walk? Oh, ये तो एकदम फर्स्ट डे का, ये फर्स्ट डे का है. Can I put it on? हिल भी नहीं रही है, हाथ हिल रहे बस. Is that, it's like that. ये सबसे क्यूट है. That's, yeah. आपने ना इसमें फर्स्ट टाइम दो पोनी बनाई थी. Well, how, हाँ, फर्स्ट टाइम बना के दिया था मैंने आपको. हाँ, क्लिप्स कितनी गुड. Is that a mountain? ये एडमेंटन का है, ये केयूष. एडमेंटन का है ये. You're like music so funny. बहुत ही सिंपल सा वनीला एंड वॉलनट केक बना रही हूँ. यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, अराउंड 1/2 कप
बटर, अराउंड 1 कप शुगर और 1/2 कप मिल्क, अगर लास्ट में चाहिए होगा तो थोड़ा सा और दूध ऐड करूंगी। अराउंड 2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालूंगी और 1 1/3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 eggs। मैंने एक दो बारी ना कैरेट केक बनाया था बिना एग के, योगर्ट ऐड करके, तो एक बारी अच्छा बन गया था, एक बारी अच्छा नहीं बना। तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कितना मेजरमेंट देना चाहिए, बट आई थिंक मिल्क मेड ऐड करके भी बिना एग के केक बन जाता है। मेरे पास किचन एड का स्टैंड मिक्सर है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, बट इससे पहले भी मैं केक बनाती थी जस्ट हैंड मिक्सर या फिर विस्क यूज करके, तो उससे भी काफी अच्छा बन जाता था। हाँ, थोड़ा सा इसके कारण स्पंजी टेक्सचर आ जाता है। Quiet voices in the night. और ये वाले कपकेक लाइनर्स ना, पता है मेरे पास आई थिंक 2 साल से ज्यादा 3 साल से ज्यादा हो गया मेरे पास रखे हुए थे और कभी भी यूज नहीं हुआ था, तो फाइनली हम आज इसको यूज करने वाले हैं। तो वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वैसे ही हर चीज पे लिखा होता है कि ये कब यूज होगा। मैं जो रेसिपी फॉलो कर रही हूँ ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक्स्ट्रा में मैं सिर्फ इसमें वॉलनट ऐड कर रही हूँ। वॉलनट की जगह पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, डेट्स ऐड कर सकते हो या फिर बेरीज भी ऐड कर सकते हो। Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. थोड़ा सा लेके ईट नहीं करना है, ऐसे करके डालते हैं बस, ज्यादा ज्यादा नहीं डालना बेटा, छोड़ थोड़ा थोड़ा, टच नहीं करना, ऊपर से डालो। ये इतने प्रिटी लग रहे हैं कपकेक्स, ये पेपर के कारण और ये आइसिंग करके वो स्प्रिंकल कर दिया ना, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। थैंक यू मम्मी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्टोर बॉट है। अमेजिंग लग रहे हैं देखने में, खाने में भी अच्छे हैं। पहले ये लोग टेस्ट कर चुके हैं, नंबर 8 बहुत अच्छा बना है, सिंपल है बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट नहीं है। Happy birthday to you. काले काले मूंछों पे व्हाइट व्हाइट क्रीम, इसमें 2 लगा दिए थे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। अरे दे रहे हैं ना, हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब जरूरत नहीं है बाहर से लाने की, इतना सिंपल है, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। मेक गमी पिज़्ज़ा। हाँ, मेक गमी पिज़्ज़ा। नो गमी पिज़्ज़ा, नो गमी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने ये टमाटर थोड़े से ना पानी में बॉईल कर लिए थे, अब ये सॉफ्ट हो गए, तो इसका स्किन हटा के फिर ग्राइंडर में इसका प्यूरे बना दूंगी। गरम तेल में डाला है जिंजर गार्लिक, अनियन, टमाटो प्यूरे, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा टमाटो केचप, इटालियन हर्ब, आप सिर्फ ओरिगैनो भी डाल सकते हो, और ये सेम सॉस हम पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं और पिज़्ज़ा में भी। और इसको अच्छे से कम गैस पे कुक करना है, और ये वाटरी नहीं चाहिए हमें, पूरा इसका पानी सूख जाए और बिल्कुल थिक हो जाए। टॉपिंग्स में मैं यूज़ करूँगी अनियन, रेड पेपर और येलो पेपर और कॉर्न, और ये है मोज़रेला चीज़, इसको ग्रेट करना है।
पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, ऑयल 2 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, शुगर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से हाथ से पहले मिक्स कर दिया है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका सॉफ्ट आटा बनाना है। और अराउंड 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था और उसके बाद ऐसा सा थोड़ा सा फ्लफी हो गया है ये, मैंने रोल किया है और ऐसे फोक से होल बना दिया है। इसके एक साइड को मैं सेक लूँगी और जब ये अच्छे से सिक गया है तो पहले इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा के, चीज़ डाल के और सारे वेजीज जो भी टॉपिंग्स आप डालना चाहते हो, मैं फर्स्ट वाला सिर्फ कॉर्न डाल के बना रही हूँ। और इसका नीचे का बेस अभी भी कच्चा है तो जितनी देर में ये मेल्ट करेगा नीचे का बेस अच्छे से कुक हो जाएगा तवे पे, और इसको ढक के स्लो फ्लेम पे कुक करना है। जैसे शॉप से लाते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज बेटर भाई, दिस इज बेटर हो गया, सारी मेहनत सफल हो गई। पिज्जा का शॉप खोलने वाले? No, I'm not. इतनी थक गई थी मैं, मेरा मन किया कि मैं तवे पे ही बना लेती हूँ, फिर कौन ओवन में बनाएगा, तवे पे जल्दी बन जाता है, बट अच्छा बन गया, अच्छा लग रहा है। अब इनके लिए सिर्फ कॉर्न का बनाया है, अभी अनुज के लिए बनाऊंगी पेपर्स और मिर्ची विर्ची डाल के। Tired snowflakes are coming down. Tomorrow's my birthday again. दुखी हो रही है कि इसका बर्थडे खत्म हो गया। और अब इसको भी बर्थडे चाहिए। When it's Didi's next birthday, can I have a tractor? हाँ, आपके बर्थडे में आपको ट्रैक्टर चाहिए। So mom, this whole week is my fake birthday. I'm really sad. तो चलो, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत सारा काम किया, बट चलो सबको सब कुछ पसंद आया, सब कुछ बहुत डिलीशियस बना था, छोले पूरी से लेके कपकेक पिज्जा सब कुछ गुड। नहीं करते बेटा टीथ को, चलो हैंड वॉश करके आओ, जल्दी से हैंड वॉश करके आओ सोप से। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो येशा के लिए, हमारे कपकेक के लिए, मेरे पिज़्ज़ा के लिए, जल्दी। The pizza was better than the outdoor. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड स्टे होम एंड stay with your grandmas and moms and daddies and your grandparents. Okay. Or your mommies. Stay home, stay safe, and keep making lots of and bye bye. Bye bye. And safety first. And with your moms and dads and your grandmas. You already said that. Iska chalta rahega. Aap log jao. Yeah. Nothing.